लोकेश राहुल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे मुकाबले में भी हरा दिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज में अभी टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। एक मुकाबला अभी भी खेला जाना बाकी है, लेकिन लोकेश राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को दूसरे वनडे में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पहले वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की थी। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो शिखर धवन, शुभमन गिल ने मैच जिता दिया, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल भी किया। सभी बल्लेबाजों को मौका भी मिला, क्योंकि लक्ष्य छोटा था, लेकिन बल्लेबाज जो है वो जल्दी जल्दी अपना विकेट गवा के बैठ गए। जिम्बाब्वे की टीम ने अगर देखें तो 161 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तो शिखर धवन और लोकेश राहुल ने जो था वो ओपनिंग किया, लेकिन लोकेश राहुल जो पहले ODI में बल्लेबाजी तक नहीं कर पाए थे उन्होंने इस बार भी कुछ नहीं किया, एक रन नाकर आउट हो गए। यहाँ पे संजू सैमसन ने 43 और धवन ने 33 रनों की पारी खेली। ना ही शुभमन गिल ना ही ईशान किशन जैसे बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर पाए, लेकिन अब कप्तान जो है थोड़े बौखलाए लगे, क्योंकि जब मैच जीते उसके बाद उनसे उनकी बल्लेबाजी और टीम के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब कुछ अजीब और गरीब लगे। बड़े अटपटे से जवाब थे कि उन्होंने मैच को लेकर क्या कुछ कहा। लोकेश राहुल ने मैच के बाद कहा कि हमारी बल्लेबाजी में गहराई है और मध्यक्रम के बल्लेबाजों को मौका मिलना अच्छा रहा, हम नर्वस नहीं थे। इसके अलावा उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं और बांग्लादेश में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, वो लंबे और मजबूत कदकाठी के हैं, बतौर बल्लेबाज हमारे लिए चुनौती अच्छी थी, लेकिन हमारी बल्लेबाजी में गहराई है तो चिंता की बात नहीं। बल्लेबाजी क्रम में बदलाव काम नहीं आया, मैं कुछ रन बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं सका, उम्मीद है कि अगले मैच में रन बनेंगे। तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को लेकर लोकेश राहुल ने कहा कि वो अच्छी खासे कदकाठी के, यानी कि हाइट पर उनकी लंबी है, यानी कि आप जिम्बाब्वे के गेंदबाज से डर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जाकर उन्होंने अच्छा किया, तो ये भी उन्हें बता दें कि बांग्लादेश की टीम जो थी वो जिम्बाब्वे में आई थी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लोकेश राहुल जीत के बाद बौखला गए, और ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि लोकेश राहुल को तुरंत कप्तान बनाया गया। पहले शिखर धवन कप्तान थे, उसके बाद जब कप्तान बने तो पहले वनडे में टॉस जीत के गेंदबाजी ली, जबकि वो ट्रोल भी हुए कि आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी 50 ओवर के खेल में और सभी बल्लेबाजों को मौका मिलता। दूसरे वनडे में भी लोकेश राहुल ने वही गलती की, टॉस जीते।